देश में बढ़ती बेरोजगारी की तो बात होती है, लेकिन उसकी जड़ में क्या है? शिक्षा व्यवस्था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो वहां पर हजारों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक एक शिक्षक के जिम्मे कई कई कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हो जाती है। सोचिए, अब ऐसे बच्चों को क्या ही पढ़ाया जाता होगा, और अगर उनकी नींव इसी तरीके से कमजोर रही तो वो आने वाले दिनों में कैसे उन्हें रोजगार मिलेगा और किस तरीके से इस देश का भविष्य बेहतर होगा। भोपाल से 15 किलोमीटर दूर का सरकारी स्कूल एक टीचर के भरोसे है। भोपाल में रातीबड़ का सरकारी स्कूल टीचर छोड़िए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भरोसे सरकार चला रही है। बैतूल में पहली से पांचवी तक की क्लास सरकारी स्कूल में एक ही शिक्षक को पढ़ानी है, लिखानी है। बाकी सिवनी जिले का हाल देख लीजिए, जहां एक कमरे में 5 क्लास चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह इतने भर से बच्चों की हक की दस्तक सुन लेंगे या और हकीकत बताई जाए? क्योंकि भोपाल से जो सब कुछ चमचमाता दिखाया जाता है, उसकी सच्चाई सिवनी के इसी स्कूल तक पहुंचते पहुंचते चूने लग जाती है, जहां एक कमरा 5 क्लास है, टीचर कई है और बीच में पॉलिथीन छत और जमीन के बीच लगाई गई, क्योंकि सरकार के दावों की तरह यह छत चूती हुई मिली। बच्चे जमीन पर टाट बिछा कर पढ़ रहे हैं, इन्हें अलग कमरा छोड़िए, एक ही कमरे में कुर्सी मेज तक नहीं मुहैया। बाकी सिवनी का यही कमरा मतदान केंद्र बना था, यहीं से मजबूत भविष्य के लिए जनता ने वोट दिया। भविष्य टपकती छत वाले क्लासरूम में इसी पन्नी के सहारे वाटरप्रूफ कर दिया गया है। बाकी व्हाट्सएप पर इस वीडियो को डालकर आप लिख दीजिए, ये टेक्निक भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि MP वाकई अजब है। जहां 47 जिलों में सिंगल टीचर स्कूल है, मतलब मध्य प्रदेश में 6,858 स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। शिवपुरी जिले में सबसे ज्यादा 420 सरकारी स्कूल ऐसे, जहां एक ही शिक्षक को पहली से पांचवी तक की पढ़ाई बच्चों को करानी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? संवाददाता रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, थोड़ा बाहर निकले तो गुलाब सिंह के भरोसे स्कूल में शिक्षा का पूरा गुलदस्ता सजवाती सरकार मिल गई। ये तस्वीर देखने के लिए आपको राजधानी भोपाल से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, महज 15 किलोमीटर दूर दौलतपुर ठिकरिया एक गांव है। यहाँ एक ही शिक्षक हैं गुलाब सिंह जी, जो पहली से लेकर पांचवी कक्षाओं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। कहने को भोपाल के इस स्कूल में 2 टीचर हैं, दूसरे वाले आते नहीं। गुलाब सिंह ही किताब की मोटाई दिखाते हुए पूछते हैं, 5-5 क्लास को अकेले कैसे पढ़ा दे? ये FLN की वर्क बुक है, जिसमें कक्षा 4 की FLN हिंदी, जिसमें 504 पेज है। अगर इसको मैं अकेले एक एक दिन में पढ़ाऊंगा तो ये कोर्स में पूरा समय लग जाएगा, पीरियड वाइज। इसी तरह कक्षा 3, कक्षा 1 और 2 में भी FLN की अभ्यास पुस्तिकाएं, जिनमें बहुत अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। एक शिक्षक पूरी कक्षाओं को एक साथ संचालित नहीं कर सकता है। बाकी गुलाब सिंह जिस दिन स्कूल ना आए, यहाँ छुट्टी रहती है। अब सोचिए सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों के साथ, क्या ये मजाक नहीं? वैसे इसी मजाक का सामना भोपाल के रतिवड़ का स्कूल कर रहा, जहाँ इकलौते शिक्षक छुट्टी पर है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भरोसे स्कूल है। जब टीचर नहीं आती हैं तो फिर ऐसे में क्या होता है? हाँ। बंद रहता है? नहीं, बंद तो नहीं रहता, खुला हुआ रहता है। मैं बच्चों को देख लेती हूँ, संभाल लेती हूँ, बच्चा खाना खा लेते हैं और चले जाते हैं। एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल है, जहाँ पे शिक्षक आते हैं और उन्हीं के भरोसे पूरा स्कूल रहता है, और जब नहीं आते हैं तो इस तरीके की स्थिति होती है कि बच्चे तो आएंगे लेकिन बिना पढ़े, सिर्फ मिड डे मील का जो भोजन होता है वो लेते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया? पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जहां सरकार एक टीचर के आगे और एक टीचर जोड़ नहीं पाई, वहां बैतूल के जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर के स्कूल में टीचर जगदीश गाडगे बच्चों को जोड़ना और घटाना सिखा रहे हैं। बाकी ये एक साथ एक कमरे में 5 क्लास कैसे पढ़ाते हैं, ये तकनीक भी जान लीजिए। काम बांट देता हूँ, जैसे पहली दूसरी को एक साथ काम दे दिए, कोई सवाल हल करने को दे दिया, गिनती पहाड़े याद करने को दे दिए, फिर उसके बाद में दूसरी तीसरी कक्षा को ले लेता हूँ, उनको थोड़ा बहुत पढ़ा करके फिर थोड़ा बहुत काम बांट दो। इतना सुनकर हे भगवान मत बोलिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के 46 जिलों के 1,275 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ एक भी टीचर नहीं। मध्य प्रदेश में 90,000 टीचर्स की कमी, छात्र और टीचर के अनुपात से हिसाब लगाएं तो 5 लाख कुल शिक्षक होने चाहिए,
प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आखिरी बार 2018 में हुई थी, माध्यमिक शिक्षक की भर्ती आखिरी बार 2020 में हुई थी, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती तो 2021 में हुई लेकिन अब तक उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई। बच्चों का विकास हो पाता है नहीं, एक शिक्षक के अगर भरोसे अगर हम बात करें तो बच्चों का उतना विकास नहीं हो पाता, वो दक्षताओं में निपुण नहीं हो कर सकता एक शिक्षक। तो शिक्षा को कोई प्राथमिकता इस सरकार की दृष्टि में है ही नहीं। इन्होंने सीएम राइज स्कूल बनाए, मॉडल स्कूल बनाए, लेकिन जो प्राथमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वो कैसे चल रहा है इस पर ध्यान ही नहीं है। बच्चे की संख्या और शिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर हम नियुक्ति वितरण का काम कर रहे हैं और अभी हम शीघ्र कुछ भर्ती और निकाल रहे हैं और ये लगातार शिक्षा विभाग में चलता रहने वाला सिलसिला है। सवाल है कि जब सरकार को पता है कि टीचर्स की कमी है तो फिर सरकार क्यों भर्ती तुरंत नहीं करती? क्या बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री लेंगे? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।